ऑल ऑफ यू वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल सौ आगे बढ़े आपका एक बार फिर से स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन टाइप बताने जा रहे हैं जिसमें से आज आप लोग को बताएंगे पॉजिटिव एंड सेल्फ फॉर्म कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप का एग्जाम में आपको एक से दो क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ही आसान होता है तो आप ऐसी चुटकी में बना दोगे पॉजिटिव मीन्स अधिकार होता है सेल्फ मतलब खुद या फिर स्वयं इसके लिए यूज़ करते रहते हैं ना तो इसका कुछ फॉर्म होता है कुछ शकल है देख लो आप माई सेल्फ यूर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट्स सेल्फ और सेल्फ यूर सेल्फ देम सेल्फ्स ये कुछ नाम है इसको अपन को यूज़ कैसे करना चाहिए ये चीज़ आपको बताते हैं अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप प्रोनाउन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्रोनाउन का टॉपिक जाकर यूट्यूब में सर्च करो टाइप आप प्रोनाउन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएगा जिसमें से कौन सा टाइप है मैं आपको बता देता हूँ रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन है ये और वो जिससे प्रणान आप देखोगे तो वहाँ से और अच्छे से समझ आएगा ओके लेकिन मैं यहाँ पास आपको शॉर्ट में एग्जाम के लिए ही बता रहा हूँ आपके एग्जाम में क्या चीज़ें पूछा जाएगा तो इसके लिए ट्रिक शॉर्ट में इसको पहचानने के लिए समझने के लिए क्या चीज़ें जानना जरूरी है बता देता हूँ पर्सन आपको पता होगा सब्जेक्ट अपने तीन टाइप से होता है पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अगर पर्सन कोई भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन होगा तब फर्स्ट पर्सन क्या है आई है तो आई के लिए हम लोग क्या लगाएंगे माई सेल्फ लगाएंगे और वी के लिए आवर सेल्फ बत इतने याद रखो अगर पर्सन अपना सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तब तो सेकंड पर्सन क्या होता है जी यू होता है यू अगर सिंगुलर है तो उस टाइम पे यूर सेल्फ लगेगा यू अगर प्लरल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यूर सेल्फ लगेगा ओके अब चलते हैं थर्ड पर्सन अगर है तो फिर क्या लगाना चाहिए यहाँ पास होता तब ऐसा करके लिख दे लेकिन थर्ड पर्सन होगा तब ऐसा करके बोल रहा हूँ ओके तो ही है तो हिम सेल्फ लगेगा ज़रूरी नहीं ही हो किसी का नाम भी हो सकता है यहाँ पर जैसे टाइम पास के लिए मैं एक नाम लिख दिया हूँ महेश सागर के तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे अपन हिम सेल्फ अगर सब्जेक्ट अपना सी होगा तो हर सेल्फ लगाएंगे या फिर किसी का नाम होगा गर्ल्स का तो यहाँ पास मैं डालती हूँ जैसे कि नेहा करके तो हर सेल्फ लगाएंगे इसमें इट के लिए अपना इट सेल्फ लगता है और दे के लिए दे क्या अपना प्लूरल है थर्ड पर्सन प्लूरल तो इसमें क्या लगेगा है देम सेल्फ अब प्लूरल में जरूरी नहीं है कि दे ही देखने मिले हर बार कई बार आपको अलग वर्ड भी देखने मिल सकता है जैसे कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन क्या होता है एक से ज़्यादा को चिल्ड्रन बोलते हैं तो उसमें देमसेल्फ लगेगा उसके लिए भी पीपुल पीपुल के लिए भी अपना देम लगेगा आर्मी एक से ज़्यादा को बोलते हैं तो देमसेल्वस ऐसे बहुत सारे होता है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और डीप में तो आप बाकी मैं टॉपिक बताया उसको आप जाकर चेक कर सकते हो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इस वाले टॉपिक को और प्रोनाउन का ओके तो अब अपन ट्रिक पे आपको बता दिए हैं कि कैसा यूज़ करना क्या लगाना है अब मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आगे आता हूँ तो एक एग्जाम्पल पहले आपको देता हूँ आई कैन गो देयर यहाँ पास लिखा है तो आई है तो दिख देख के अपने क्या लगाना है माई सेल्फ मतलब मैं वहाँ जा सकता हूँ खुद से ठीक है तो मैं खुद से वहाँ जा सकता हूँ करके यहाँ पर सेंटेंस बना बताया जा रहा है तो आपको एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है जी अब मैं कुछ क्वेश्चन दिया है मैं उसको डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ और बता देता हूँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पास आई कट बाकी चीज़ को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ता इसमें पता है आई को देखते ही अपने क्या बताएंगे माई सेल्फ लगेगा बोल देंगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सी दिख रहा है मेरे को तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पास अब हर सेल्फ़ लगाऊंगा तीसरे क्वेश्चन में फिर से आई दिख रहा है तो माई सेल्फ आएगा इसका आंसर ओके चौथे क्वेश्चन में मेरे को वी दिख रहा है ध्यान से देखो तो वी दिख रहा है तो यहाँ पास अब क्या लगाऊंगा मैं आवर सेल्फ ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं पांचवे क्वेश्चन में ही दिख रहा है ही दिख रहा है मतलब क्या लगाना है मेरे को हिमसेल्फ और इधर का जो और ब्रैकेट जो बचा हुआ है इसमें क्या लगाया ऐसा करके बोलोगे तो यहाँ पास हिमसेल्फ डबल नहीं लगाएंगे ये चीज़ याद रखना यहाँ पास मिस्टेक मत कर देना यहाँ पास हीस लगेगा हीस ऑफिस तो एक आप लोग को रूल्स मैं बता देता हूँ नाउन और पो नाउन एक साथ नहीं आता है और जो अपना यहाँ पास हीस लगाए थे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ओके तो पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के लिए आया है ऑफिस मेरा नाउन है तो मैं ज़्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाऊँगा अगर आपको वैसे चेक करना है तो मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ बट यहाँ पास ओनली हम लोग शॉर्ट में आपको ट्रिक के थ्रू बता रहे हैं कि कैसा लगाना चाहिए सेल्फ वाले चीज़ों को छठवें नंबर क्वेश्चन में आता हूँ छठे वाले क्वेश्चन में आता हूँ सी के लिए हम लोग यहाँ पास हर सेल्फ लगाएंगे फिर सातवें नंबर में चिल्ड्रन दिख रहा है चिल्ड्रन अपना कैसा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए अपने क्या लगाएंगे आप दम सेल्फ लगाएंगे और आठवें नंबर में ही थर्ड पर्सन है ही अपना तो इसमें भी ए सिंगुलर है तो हिम सेल्फ लगता है यू यू के लिए क्या लगेगा यूर सेल्फ तो यहाँ तक आपको पूरा आंसर्स क्लियर हो गया होगा होप सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि सेल्फ कैसे लगाते हैं और इसके लिए रूल क्या है बहुत आसानी है देखे होगे आप और इसको आप एग्ज़ाम में मत छोड़ना क्योंकि ये वाला आंसर बहुत ईजी रहता है आप का इसको मिस करोगे बहुत आसान तो है ठीक है तो थोड़ा सा आपको अगर याद नहीं होता है तो आप लिस्ट बना के रख लो एक बार कि आई के साथ माई सेल्फ लगता है थैंक यू जी आज का वीडियो वही था अपना और मै होप सू आपको मज़ा आया होगा आपको समझ आया होगा चीज़ें कैसे लगाते हैं बहुत आसान था ये चीज़ें तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को पता भी रहा होगा और जिनको नहीं पता रहा होगा उनके लिए हेल्पफुल है अगर जिसको मालूम नहीं है आप या फिर आपके फ्रेंड्स आपके कोई भी सर्कल में फैमिली मेम्बर्स में जिनको जरूरत है उनको सेंड कर दो धन्यवाद थैंक यू